इज पाइथन एग्जैक्टली? आप कह रहे हैं कि पाइथन एग्जैक्टली क्या है? पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज वो होती है जिसके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करती हैं डायरेक्टली एंड फ्रीली विदाउट प्रीवियसली कंपाइलिंग अ प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज। जैसे एग्जांपल के लिए आप सी का प्रोग्राम करते हो या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम का कोड लिखते हो, तो आप उस कोड को लिखने के बाद आप उसको कंपाइल करते हो देन रन करते हो। वेयर एज पाइथन में क्या चीज़ होती है, आप एज सून एज आप पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो इमीजिएटली उसके कोड का आप आउटपुट ले लेते हो। दैट मीन्स जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं उस क्या करता है पाइथन, क्या करता है सोर्स कोड को बाइट कोड में बदलता जाता है। इंटरप्रेटेड मीन्स सोर्स कोड को पूरी तरह से एक बार ना चलाकर एक एक बार करके एग्जीक्यूट करना, जिससे कि कोड को डिबग करने में इजी होता है। वेयर एज कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है फुल कोड को एक ही बार में एग्जीक्यूट करता है। सो वी कैन से कि जो आपका पाइथन है वो कौन सी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जैसे सी सी प्लस प्लस कौन सी है, कंपाइल्ड, उसमें कंपाइलर्स यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट हमने इसमें वर्ड यूज़ किया हुआ है, ये कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है जो हार्डवेयर के इंडिपेंडेंट हो। दैट मीन्स एज ए प्रोग्रामर आपको वी डोंट नीड टू रिमेंबर द सिस्टम आर्किटेक्चर, हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है कि हमारा डाटा अंदर मेमोरी में कहाँ स्टोर्ड होगा, डाटा के टाइप क्या होंगे। तो जो इंटरनल उसका लेवल, इंटरनल जो आर्किटेक्चर होता है उसके बारे में हमें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एज हाउ टू अरेंज मेमोरी यूज इन अवर प्रोग्राम और डाटा टाइप, दैट इज में जो मेमोरी जहाँ जो भी अंदर का इंटरनल सिस्टम होता है ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट होती है। तो वो किस तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब उसके बाद हम इसी में वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज है ये, जर्नल पर्पस। जर्नल पर्पस का क्या मतलब होता है कि ऐसी लैंग्वेजेस जो उनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम उसमें वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं बना सकें लिख के उन सॉफ्टवेयर्स को। जर्नल पर्पस लैंग्वेज इज डिज़ाइन टू बी यूज्ड फॉर राइटिंग सॉफ्टवेयर इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। तो आपका जो ये है पाइथन है इज एक्सीलेंट फॉर डाटा एनालिसिस, राइटिंग सिस्टम स्क्रिप्ट्स that interact with the operating system, communicating with other network society. That means Python क्या interpreted high level general purpose language है, ठीक है। That means first statement आपको इसका clear हो गया। Next इसमें line है Python simple। Python आपकी language क्या है, ये बहुत simple है, easy to learn है। इसके syntax है, इसकी language का जो coding है वो सारा, इसके जो keywords वगैरह हैं वो आपके common English से मिलते हैं, mathematics से मिलता है। जैसे अगर addition करना है तो a plus b, आप maths में भी plus का sign डालते हो 2 plus 3, तो इसमें भी वही है। अब जैसे इसमें कोई statement use हुई है, print use हुई है, break, तो ये आपके अपने common English के साथ use होती है। तो that means Python का जो syntax है, syntax means the way of writing a program, वो ईजी है। अगर ईजी होगा, कोई भी चीज़ ईजी होगी, आप ईजिली क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अगर ईजिली रीड कर पाओगे, उसको लर्न कर पाओगे, उसमें एग्जीक्यूशन कर सकते हो, काम कर सकते हो। नेक्स्ट इज पाइथन इज ऑल्सो वेरी वर्सटाइल। वर्सटाइल होता है जो एक से ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को डाल ले। जैसे इसमें क्या है, आप इसको वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन में इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे टेक्निकल फील्ड, जैसे मशीन लर्निंग में यूज़ कर सकते हो इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट में कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन में कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, साइंटिफिक कैलकुलेशन में, एक्स्ट्रा, मतलब हर एक चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस विच एनकरेज प्रोग्राम मॉड्यूलरिटी एंड कोड रीयूज। मॉड्यूलरिटी क्या चीज़ होती है, मॉड्यूलरिटी मीन्स ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इंटू स्मॉलर एंड ईजिली मैनेजेबल मॉड्यूल्स। अब जैसे सिंपल एग्जांपल, आपका जो कंप्यूटर भी है वो भी किससे बना है, मॉड्यूलर अप्रोच से बना है। अब आपका कंप्यूटर में क्या चीज़ होता है, आपका कंप्यूटर में क्या है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, सीपीयू है, यूपीएस है, सब चीज़ें अलग अलग लगी हुई हैं। अगर उसमें क्या हमें बेनिफिट होता है अलग अलग का अप्रोच का, अगर सपोज हमारा माउस नहीं वर्क कर रहा है, हम क्या करेंगे, उस माउस को निकालेंगे और बाकी से अगर हम वर्क करना चाहें विदाउट माउस तो कर सकते हैं, नहीं तो हम दूसरा माउस अटैच करें उस पर काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर प्रोग्रामिंग में भी इस तरह का प्रोसेस हो कि हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में काम करें, मतलब छोटे छोटे हिस्सों को यूज़ करके करें, ताकि जो हिस्सा और जो चीज़ हमें चाहिए या जिसमें कोई प्रॉब्लम है हम उसी में जाके उस हिस्से में चेंजिंग्स करें, या उसको अगर रीयूज़ करना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। पैकेजेस क्या चीज़ होते हैं, देखो पैकेजेस क्या हैं, जैसे किसी लैंग्वेज में क्या होता है, एक कोई सॉफ्टवेयर अगर बना है उसके अंदर थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल क्लासेस होंगी, तो अब उन चीज़ों को और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों को हमें अगर मैनेज करके एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंज फॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा,
हमारे लिए यूजफुल होगा। तो जो पैकेज क्या होता है, पैकेज इज अ नेम स्पेस दैट ऑर्गेनाइजेज अ सेट ऑफ रिलेटेड क्लासेज एंड इंटरफेसेज, मतलब एक जैसे कि जो क्लासेज और इंटरफेसेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है। जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर कैन बी कम्पोज ऑफ हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल क्लासेज। इट मेक्स सेंस टू कीप दीज ऑर्गेनाइज बाई प्लेसिंग रिलेटेड क्लासेज एंड इंटरफेसेज इन अ पैकेजेस। जैसे आपका एमएस ऑफिस भी क्या है, एक पैकेज है। इसके अंदर एमएस ऑफिस के पैकेज के अंदर क्या है, उन्होंने वर्ड डाला है, पावर पॉइंट, एक्सेस। मीन्स पैकेज मीन्स अ कम्प्लीट वर्जन ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। तो उससे क्या होगा, अगर आपके इस तरह की पैकेजिंग उसमें हुई होगी तो आपका जो प्रोग्राम होगा उसको आप कोड को रीयूज कर सकते हो।